हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टेक उमारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जो यहां के सीएम है यानी अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री में राशन देने का लोगों का ऐलान किया था और राशन दिए भी हैं। बट दोस्तों, इस बार जो लॉकडाउन में आपको फ्री में राशन दिया जाएगा यानी इस महीने का जो आपको राशन दिया जाएगा, अप्रैल के महीने में 28-29 तारीख से जो राशन वितरण किया जाएगा उसमें काफी कुछ बदलाव हुए हैं। यानी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और अलग ही तरीके से आपको खाने पीने की चीजें भी यहाँ पे अब मुहैया कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे कि जिसके पास राशन कार्ड है उनको जब राशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपको गेहूं चावल के अलावा एक किट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किट क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है यानी कि जो गरीब है, मजदूर है, जो असहाय है, जो दिल्ली में कमाने खाने के लिए अलग स्टेट से आते थे, इस वक्त लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे हुए, उनके लिए भी अलग से खाने पीने की चीजें दी जाएगी, बट कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल्स में जानते हैं कि इस बार क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महीने का जब आप लोग राशन लेने जाएंगे यानी अप्रैल महीने में 28-29 तारीख से जब आपका राशन दुकानों पे मिलेगा यानी लेने जाएंगे तो उसमें आपका काफी कुछ बदलाव होगा, यानी आपको फ्री में राशन दिया जाएगा। और राशन की बात कर फ्रेंड्स, तो इससे पहले भी आपको फ्री में पिछले महीने मार्च के महीने में फ्री में राशन दिया गया था इस लॉकडाउन में, इसके लिए आपको ₹1 का चार्ज नहीं लगा था और इस बार भी फ्री में राशन दिया जाएगा। और राशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो उस वक्त आपको राशन जो दिया जा रहा था पर व्यक्ति के हिसाब से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा था। बट दोस्तों, यहां पे इस वक्त लॉकडाउन में आपको जो राशन की जो है संख्या इसको ज्यादा कर दिया गया, यानी कि एक व्यक्ति के हिसाब से 6 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल कर दिया गया है, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7.5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे किट की, तो यहाँ पे जब आप गेहूं और चावल लेंगे अपने लिए यानी राशन लेने जाएंगे 28-29 अप्रैल से, तो आपको एक किट दी जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक किट क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सी बात करें, किट के रूप में आपको खाने पीने की चीजें भी अलग से दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत से लोगों को यह मानना है, या फिर आप समझ सकते हो कि सिर्फ गेहूं चावल से ही लोगों का काम नहीं चलेगा, इसके अलावा उनकी पर्सनल जिंदगी यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी के खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे किट के रूप में आपको इसके अलावा बहुत सारे दी जाएंगी। जैसे कि गेहूं चावल के अलावा आपको दाल हो गई, और खाने पीने का जो तेल होता है वो हो गया, नमक हो गया, मसाला हो गया, छोले हो गया, साबुन तक, यहाँ तक कि चीनी भी आपको फ्री में किट के रूप में दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको गेहूं चावल के अलावा एक किट दी जाएगी जिसमें आपको खाने पीने की चीजें फ्री में मुहैया कराई जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जिनके पास राशन कार्ड है तो गेहूं चावल लेंगे ही, इसके अलावा एक किट भी लेके आएंगे, किट के रूप में अपना सामान लेके आएंगे। ये तो दोस्तों हमारे लिए एक अच्छी, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है यानी कि जो दिल्ली के गरीब है, मजदूर है, या फिर दोस्तों जो दिहाड़ी वर्कर है यानी कि दिल्ली में अलग स्टेट से कमाने के लिए आते हैं, खाते हैं, फिर चले जाते हैं, या फिर दोस्तों इस वक्त आए थे कमाने खाने के लिए बट दोस्तों इस लॉकडाउन में फंस गए हैं, रुके हुए, उनके लिए भी यहाँ पे दिल्ली सरकार ने एक नया कदम उठाया यानी कि बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, पिछले महीने फॉर्म भरा गया था बट दोस्तों अभी तक बहुत लोगों को फ्री में राशन नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के सरकार ने एक अलग ही फैसला लिया है कि जो यहाँ के विधायक होंगे, आपके यहाँ के जो विधायक सांसद होंगे, उनको ₹2,000 का फूड कूपन दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ₹2,000 का फूड कूपन दिया जाएगा। यह जो फूड कूपन होगा, दिल्ली के जो यहाँ के आपके विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, वो निरीक्षण करेंगे या परीक्षण करके यानी जांच करेंगे कि कौन गरीब है, मजदूर है, असहाय है, उनको यह कूपन दिया जाएगा। उसके आधार पर दोस्तों ये समझ सकते हैं कि आपको भी खाने पीने की चीजें मिल जाएंगे, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाला, साबुन वगैरह, चीनी वगैरह मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही अच्छा एक काम किया कि फ्री में राशन के अलावा अब खाने पीने की चीजें भी, आपके रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुएं भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और भी फ्री में। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए मेरी वीडियो पर लाइक जरूर करके उनका शुक्रिया अदा जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।